भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। इति जात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु गंगाद्वरम् उपेजाय मुक्त सर्वान् बंधनः। शब्दानुवाद। इति इस प्रकार जातसु निर्वेद अजामिल जो भौतिक देहात्म बुद्धि से विरक्त हो चुका था क्षण संगेन क्षण भर के संगति से साधुषु भक्तों की गंगा द्वारम हरद्वार व हरिद्वार उपेजाय गया मुक्त मुक्त होकर सर्वान् बंधनः सभी प्रकार के भौतिक बंधन से। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। भक्तों विष्णु भक्तों की क्षण भर के संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग कर दिया। इस तरह समस्त वह भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ। वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। कौन गया हम देखा है क्या? कोई देखा अजामिल गया हरिद्वार? नहीं देखा। प्रमाण आ रहा है। तात्पर्य मुक्त सर्वानुबंधन शब्द संकेत करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार गया। अब हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप के केंद्र है, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वे भक्त हो या नहीं, वहाँ जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थान में स्वागत है कि वे भगवान के नाम का कीर्तन करें तथा प्रसाद ग्रहण करें। करने की अति सरल विधि से सर्वोच्च सरलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहें। इस तरह वे भगवत धाम वापस जा सकते। हरिद्वार में हमारे कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्रीधाम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे है। श्री चैतन्य चंद्रोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। आइए हम सभी इसी अवसर का लाभ उठाएं। चलते हैं मायापुर।
तमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं नृप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजतं सागण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनसहगणा ललिता श्रीविशाखानिताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी चर्चा का विषय जो चल रहा है विष्णुदूत द्वारा अजामिल का उद्धार। सिर्फ अजामिल का उद्धार होगा और हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा? इसको सुनते सुनते हमारा उद्धार हो जाएगा, इसको सुनते ही हमारा उद्धार होगा। जब हमें सुनेंगे ये सारा चीज़ को, उनके बारे में जानकारी मिलता है, भागवत से यही चीज़ मिलता है। सत्य है, भागवत कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, भागवत मनोमंजन के लिए है। आज का समय पे मनोरंजन चलता है भागवत में, लेकिन शास्त्र प्रमाण दे रहा है मनोरंजन, मनोमंजन रंजन नहीं मनोमंजन करना। जिस प्रकार हमारा मन मानता नहीं भागवत में बैठने में, क्योंकि मनमानी हम चलते हैं। और भागवत तो 7 दिन का कथा नहीं होता था, शास्त्र प्रमाण देता है। एक ही महाराज बता रहे थे, भागवत जब हुआ था तब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों को दोनों ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और 7 दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन 24 घंटा को मिला के 24 घंटा एक दिन कहा जाता है, तो 24 घंटा इंटू 7 इक्वल टू जितना हुआ, इतना घंटा एक ही आसन पे बैठ सकते हैं। हमें कथा सुनने के लिए जाते हैं 7 दिन, इस प्रकार कथा होता था। और वो धीरे धीरे कथा किस प्रकार धीरे धीरे कमज़ोर आया, कथा सुनने वाला और सुनाने वाले में, सुनने वाला और सुनाने वाले कैसा कमज़ोर। पहले समय पे ये था परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी किसी प्रकार 7 दिन तक कथा सुने कुछ नहीं खाए पे। इसका बाद एक कहा गया एक एक कटोरी घी पी के, दोनों को दोनों एक कटोरी घी पी के भागवत कथा सुनो 7 दिन तक, ये भी नहीं हो पाया। फिर इसका बाद एक कुछ फलाहार करके भागवत सुनो, वो भी नहीं हो पाया। फिर कुछ खा पी कर ही सुनो, तो अभी हर जगह पर कथा होता है तो बिना प्रसाद से कोई आते नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं विष्णुदूत द्वारा अजामिल का उद्धार। अजामिल का जो आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक से क्षण संगे न साधुसु शब्द आता है ऊपर लाइन में, क्षण संगे न साधुसु, थोड़ी समय संग किया। किसका संग है? विष्णुदूत का संग। विष्णुदूत का संग करने से उसका उद्धार हुआ। जमदूत आए थे अजामिल को लेकर जाने के लिए, लेकिन नरक का दरवाजा उसके लिए अजामिल के लिए बंद हो गया जब विष्णुदूत का संग किए, और जमदूत छोड़कर चले गए। जमदूत छोड़कर उनका छुटकारा मिल गया। जो नरक को जाने वाले व्यक्ति भक्त का संगति से, मतलब विष्णुदूत का संगति से, उनके लिए नरक का दरवाजा भी बंद हो गया, सुनेंगे अब। इसीलिए कहते हैं अजामिल का उद्धार, तब अजामिल का उद्धार हुआ। तब यहाँ पे कह रहे हैं फिर थोड़ी समय साधु संघ से, और संघ का कितने प्रभाव पड़ता है। संघ दो प्रकार की होता है, एक ही कुसंग एक ही सुसंग।
एक ही कुसंग और सुसंग। लेकिन हमें जन्म से, जब जन्म गर्भ से बाहर आते हैं, गर्भ के अंदर में हमें भगवान का संग किए है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि भगवान का संग नहीं किया। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का संग किया गर्भ के अंदर। लेकिन जगत में जब आता है, तब जगत में आने का बात है, ये माया जगत का संग करने का बाद फिर भगवान से भूलना, भगवान से दूर होना, भगवान का स्मृति आना, वो नहीं होता है। क्यों? माया इसी प्रकार कब्जा बना देता है, इसी प्रकार कब्जा बनाता है। फिर वो ढूंढता है किसी प्रकार सत्संग में आने के लिए, फिर ढूंढता है और उस सत्संग को प्राप्त करना इतना आसानी नहीं, सत्संग में बैठना इतना आसानी नहीं। भाग्यवान व्यक्ति ही सत्संग में आते हैं। कहते हैं भक्ति संदर्भ में, कहते हैं करोड़ों जन्म का पाप, करोड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा होने का बाद व्यक्ति सत्संग में आता है। आज का दिन में कितने लोग को आप इनविटेशन देते हैं, चलिए प्रभु जी मंदिर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सही आते हैं नहीं? किस कारण से बिजी होते हैं? संसार का कार्य के लिए बिजी है, भक्ति के लिए कोई नहीं। क्योंकि हमारा माया इसी प्रकार खींचता है, इसलिए कहते हैं इसको प्रत्येक व्यक्ति के पीछे व्याघ्र लगा हुआ, हर व्यक्ति के पीछे व्याघ्र लगा हुआ, पीछे का तरफ जाना चाहता है। पीछे का तरफ मतलब नरक की तरफ जाना चाहता है, कोई आगे गियर लगाना नहीं चाहता है। भक्ति मार्ग आगे का गियर है, कोई आना नहीं चाहता आज का दुनिया में, आज का संसार में। तब ये जो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है और ये भाग्यवान व्यक्ति को ही मिलता है। थोड़ी मात्र साधु संग से कितने भक्त का नाम आप सुने हैं, कितने भक्त का उद्धार हुआ ये साधु संग का, थोड़ी मात्र लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, थोड़ी समय। सभी आप लोग को जानते हैं कितने कितने भक्त जो कि साधु शंकर के उद्धार हुए। ऐसे तो नाम तो बता आप लोग जानते हैं, एक ही है मुरुगारी, जानते हैं मुरुगारी के बारे में, मुरुगारी नारद जी के साथ वार्तालाप हुआ, थोड़ी सी भी दर्शन मात्र से और नारद जी जो बताए उसको पालन करने मात्र से मुरुगारी का उद्धार। इतनी बड़ा पापी था कि इतने जीव मरा था, उसका पाप का जो खाता था ना, वो खाता देखेंगे थे मतलब जमंद तो हिसाब किताब नहीं बना पाया। वो इतना पापी व्यक्ति मुरुगारी होते हुए फिर भी सिर्फ साधु का दर्शन, नारद जी का दर्शन। इसलिए कहते हैं दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, ये साधु का लक्षण होता है। सिर्फ दर्शन पाने के लिए, और दर्शन जो व्यक्ति पाता है, और किस प्रकार दर्शन करना है साधु को, ये जड़ चक्षु से दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान चक्षुषा कहते हैं, कर्ण रंध्र से उनको दर्शन किया जाता है साधु को। और नारद जी का जो वचन उनका हृदय स्पर्शी हुआ मुरुगारी का, और नारद जी का वचन को सुनते हुए उन्होंने सब पालन किया, जो जो चीज बताए करने के लिए सारा कुछ पालन किया, तब जाके उधार। ये थोड़ा मात्र संग था। और अजामिल का संग थोड़ी समय, ज्यादा समय नहीं। और फिर जड़ भरत का साथ संग रहुगण का, वो भी थोड़ी समय था। फिर प्रचेतागण, चतुर्थ स्कंद भागवत में बढ़ेंगे प्रचेतागण, वो शिवजी का संग से, वैष्णव नाम यथासंभव शिवजी का संग से। और हरिदास ठाकुर, वो भी थोड़ी सी संग, हाँ वैश्य को आप बताइए, वो भी उधार। जो इसे हरिदास ठाकुर का ये मैं बताया, बहुत मतलब आनंद आता है, जो आया था उसको पटाने के लिए वो खुद पट गया। देखिए नाम का कितने प्रभाव है, हरिदास ठाकुर जो नाम जप कर रहे थे, और नाम का जो प्रभाव है ना, और वो नाम का प्रभाव से उनका कर्णरंध्र में प्रवेश करके वेश्यावृत्ति का जो वृत्ति था ये तत्क्षणात नष्ट हो गया।
और भक्ति मार्ग पर चल पड़े, वो भी लवे मात्र साधु संघ, थोड़ी से साधु संघ से। फिर दस्यु रत्नाकर, जिसका नाम बाद में वाल्मीकि पड़ा, जो रामायण लिखा, वो भी इतनी जीव हत्या करता था, उसको नारद जी बोले तुम राम नाम जप करो, उनका मुख से राम का नाम भी उच्चारण नहीं हो पा रहा, और वो क्या उच्चारण किया, मरा मरा उच्चारण करते हुए। आप सोचो, वो भी थोड़ी समय उनका साथ संग था, साधु का संग देखिए। फिर जगाई माधाई के साथ नित्यानंद की कृपा। फिर लास्ट में आता है कार्तिक महीना में जो होता है नल कुबेर और मणिग्रीव, और नारद जी उनको तो श्राप देते हैं, तुम पेड़ का जोनी बन जाओ। लेकिन उनका भी श्रद्धा नहीं है ये सुनने के लिए, इनका श्रद्धा नहीं है भक्ति करने के लिए, नल कुबेर और मणिग्रीव का कोई श्रद्धा नहीं था। लेकिन साधु का हृदय कितना कृपामय है, इसलिए कहते हैं साधु का अंदर छह गुण होता है, एक्स्ट्रा 27 गुण है, लेकिन छह गुण भागवत में, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्र वसंता साधव साधु भूषण, ये साधु का भूषण है छह, और 27 गुण है साधु का अंदर, और साधु का कोई शत्रु नहीं होते, अजात शत्र वसंता हमेशा शांत होता है, तितिक्षव और कारुणिक कृपामय होता है, प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर कृपा करता है, कभी पात्र अपात्र भी नहीं देखता है साधु, कभी पात्र अपात्र नहीं देखता है, ये जात का है ये है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड, मतलब क्या रांची झारखंड, झारखंड होकर आ रहे थे वृंदावन, तो वो वहाँ पर जितना जंगली पशु थे, सारा जंगली पशु भी चैतन्य महाप्रभु का शरण पे आ गए, और सारा जंगली पशु भी हरिनाम करने लगे, सही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक श्लोक आता है चैतन्य महाप्रभु कभी पात्र पात्र नहीं देखे, सभी को भक्त बनाया, जिस प्रकार शिला प्रभुपाद, पात्र अपात्र विवेकन देश काल दुपेक्षणा, पात्र अपात्र नहीं देखे। हर जगह पे जिस प्रकार बारिश होता है, बारिश हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं देखता है यहाँ पे समुद्र है तो बारिश नहीं होगा, और वहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे बारिश नहीं होगा, ऐसा नहीं कि राजस्थान में बारिश होगा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, हर जगह पे। जिस प्रकार इंद्रदेव जब बारिश कराती है तब उसी टाइम पर जैसा पात्र पात्र नहीं देखता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु पात्र पात्र नहीं देखते हैं, और साधु का स्वभाव इसी प्रकार, साधु कभी भी पात्र अपात्र नहीं देखता है, सभी को हरिनाम कराता है, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, ये साधु का स्वभाव है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदने, और सभी का साथ मित्रता, मित्र मतलब क्या है, मित्रता का अर्थ क्या है, मित्र दो शब्द है, मी मतलब मिठाई का तरफ से बात करना मिष्टा, अत्र मतलब त्राण करना, ऐसा सुस्वादु बात करके, आनंदित बात करके, त्र मतलब त्राण करना, उसको उधार करना, वो होता है मित्र। नहीं तो सारा जगत में हर व्यक्ति हमारा शत्रु है, दुश्मन है, वही व्यक्ति मित्र है जो व्यक्ति हमको कृष्ण भक्त भक्ति दिला के, भक्त बना के, भगवान का धाम को लेकर जाने के लिए तैयार होता है, वो हमारा रियल मित्र है। तब नलकुबेर और मणिग्रीव का साथ है, थोड़ी समय संग हुआ नारद जी का, उनका भी, इसलिए कहते हैं लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, और थोड़ी संग सत्संग में आ गया। अजामिल का सामने चार विष्णु दूत आए हैं, ये थोड़ी समय संग था, इसलिए कहते हैं क्षण संगे न साधु सु, थोड़ी समय संग का प्रभाव से उसका जम फांस कट गया, और वो क्या हुआ, वहाँ से फिर चल पड़े कहाँ, हरिद्वार। हमें हरिद्वार को हरद्वार बोलते हैं, और हरिद्वार को हरिद्वार और हरद्वार दो, कोई कोई बोलते हैं हरद्वार और कोई कोई बोलते हैं हरिद्वार, दोनों सही है कि नहीं है, दोनों सही है। देखिए
आप बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाने के लिए बद्रीनारायण को दर्शन करने के लिए जो कि हरि नारायण है और नारायण को पास जाने के लिए, तब आप कौन सा रास्ता में जाओगे? इसलिए कहते हैं हरिद्वार। और आप अमरनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए वही रास्ता है, इसलिए कहते हैं हरिद्वार। द्वार एक ही है लेकिन दोनों नाम पड़ गया, हरिद्वार और हरिद्वार, इसमें कोई गलती नहीं है। आप हरिद्वार बोल सकते हैं, हरिद्वार बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद मेंशन करते हैं, कहते हैं हरिद्वार में हमारा इस्कॉन संस्था नहीं है, इसलिए सभी वानप्रस्थ भक्त लोग को, कोई भक्त हो नहीं हो तो उनको वृंदावन नहीं तो मायापुर जाना चाहिए, वहाँ पे भक्त का संगत मिलता है, वहाँ पे भक्त का संगत के साथ साथ हरिनाम और दूसरा क्या मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। प्रभुपाद भावार्थ में मेंशन करते हैं, तो व्यक्ति जब भगवान का महाप्रसाद और हरिनाम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका हृदय में कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे, हृदय शोधित हो जाएगा, और भगवान का नाम का प्रति रुचि होगा, भक्त का संग का प्रति रुचि होगा, भगवान का दर्शन करने का प्रति रुचि होगा और धाम वास करने का प्रति ही रुचि रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन और मायापुर। हरिद्वार में क्या होता है, हरिद्वार में तो बहुत, आप हमारा नज़र पे कि ये दृष्टि से हम देखेंगे सब ये ड्रेस पहनने वाले साधु बहुत सारे घूमते रहते हैं, इसलिए प्रभुपाद हर भक्त का संग करने के लिए मना भी किया, हर जगह पे कथा सुनने के लिए भी मना किया। प्रभुपाद ने एक ही जगह पे, मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद कहते थे जो संप्रदाय है चार ही संप्रदाय के अंदर आना चाहिए और वो गुरु परंपरा में आने वाले व्यक्ति से आप सुन सकते हैं। गुरु परंपरा और संप्रदाय, चार ही संप्रदाय, श्री रुद्र ब्रह्म सनक, ये चार ही संप्रदाय, ये संप्रदाय का जो गुरु है और वो गुरु परंपरा में आने वाले व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए, नहीं तो कहते संप्रदाय, संप्रदाय विहीन मंत्र विफल प्रदा, संप्रदाय में नहीं है क्योंकि तेरा अपसंप्रदाय है, आउलू बालू जो संप्रदाय है ये तेरा अपसंप्रदाय है, इसलिए इससे इसी व्यक्ति के पास जाके हमें सुनना नहीं चाहिए, इससे हमारा ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार लोग बोलते हैं हमें भगवान को मानते हैं लेकिन भजन करते नहीं, हमें भक्ति कर, भक्ति बहुत भक्ति करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, उनको कैसा समझाएंगे? संसार में बहुत लोग बोलेंगे हमें बहुत भक्ति करें, बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसी प्रकार उनका संग नहीं मिल रहा है, इसी प्रकार संग नहीं मिल रहा है, ये कारण है। दूसरा अर्थ में कहते हैं साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है भक्ति फल प्रेम है संसार जायक है। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि, पहले आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए कृष्ण भक्त का साथ संग करने के लिए, पहले श्रद्धा होना चाहिए। हर चीज में आप देखें आदौ श्रद्धा तत तो साधु संग, पहले शब्द आया आदौ श्रद्धा, जिस प्रकार देखा जाता है हमारा कथा पे श्रद्धा नहीं होता है लेकिन हमारा मोबाइल पे श्रद्धा होता है, कथा पे श्रद्धा नहीं होता है न्यूज़पेपर पढ़ने में श्रद्धा है, कथा पे श्रद्धा नहीं होता है और कुछ काम करने के लिए श्रद्धा है, पहले क्यों श्रद्धा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन मानता नहीं, मन हमेशा बदमाश करता है और मन हमेशा मनमानी करेगा, इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में मनमानी नहीं करना, आपको मन को मना ले, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना 18 chapter 65 नंबर श्लोक में बोले मनमानी नहीं, मन मना, मन को मना ले प्रभु का भक्ति के लिए, प्रभु का शरण पे लाने के लिए, क्योंकि मन हमेशा बदमाश करेगा, नहीं चाहेगा, क्यों कितने विषय संग करके आया, कितने असत संग करके आया, इसलिए इसको मनाना पड़ता है। और मन को आप मना लिया ऑटोमेटिकली भगवान भी मान लेते हैं, हमें भगवान को मनाना है ना,
भक्ति फल प्रेम है संसार जायक है। जब हमें कृष्ण भक्त का साथ संग करते हैं तो भक्ति यही जो है भक्ति का फल है प्रेम है संसार जाए और संसार का जो बंधन है वो खंडित हो जाता है क्षय हो जाता है। और अजामिल यही किया, अजामिल का जब सत्संग में आ गया तब भौतिक देहात्म बुद्धि से विलग हो गया, उनको सब भी कुछ समझ में आ गया। आप पिछले जितने सब श्लोक सुन रहे थे ये श्लोक में सब उसका पश्चाताप था, जीवन में क्या किया उसको पश्चाताप था। आज का श्लोक में उन्होंने सीधा बता रहे हैं, क्षण संगे ने साधु सु गंगा द्वारम उपाय मुक्त सर्वन बंधन। और गंगा नदी का किनारे पे बैठ के भजन करने के लिए जब गंगा का भी संग करता है, इसलिए कहते हैं साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा? गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करती है, कल्पवृक्ष दीनता का नष्ट करती है, लेकिन साधु स्वभाव वाला व्यक्ति पाप ताप दीनता को नष्ट कर देती है। इसलिए साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। तब कहते हैं जब भक्त का संग करते हैं तब संसार जायक है। श्रीमद् भागवत में फिर कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य जोनी जो है ना दुर्लभ है, सुलभ नहीं, किसी भी जगह पे नहीं लिखा गया मनुष्य सुलभ जोनी है। ये मनुष्य क्या है? दुर्लभ जोनी है। और यही देह में ये देह थोड़ी समय के लिए मिला है, इसीलिए प्रभुपाद एक ही जगह पे कहते हैं ये जो शरीर है एक ही गेस्ट हाउस है। ये शरीर को गेस्ट हाउस का तुल्य बता गया, लेकिन हमें शरीर के प्रति आसक्त नहीं होके हमें किसके लिए करना है ये जानना चाहिए। कभी भी हमें कोई गेस्ट हाउस में रहते हैं गेस्ट हाउस का हमें सफाई नहीं करते हैं, गेस्ट हाउस को हमें झाड़ू नहीं लगाते हैं, गेस्ट हाउस को डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते हैं। हमें आए थोड़ी समय के लिए, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए, और हमारा चेकआउट का टाइमिंग होता है। और ये शरीर के अंदर जो दिव्य आत्मा है उसका भी चेकआउट का टाइमिंग है, और टाइम पूरा फिक्स है, वो फिक्स के टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता है, पूरा फिक्स है। इसलिए कहते हैं मृत्यु का दिन, मृत्यु का डेट, मृत्यु का प्लेस, हाँ, और मृत्यु का जो टाइमिंग, डेट टाइमिंग और प्लेस, इसको कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो तो ये सब फिक्स है। और ये शरीर क्षणभंगुर है तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। लेकिन ये शरीर क्षणभंगुर होने का नाता ये शरीर भगवान ने दिया है भक्ति करके वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य वैकुंठ को जा सकता है मनुष्य, इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिए है। और कहते हैं दुर्लभ जन्म जोनी मिला है, थोड़ी समय के लिए मिला है, और ये थोड़ी समय भी हमें प्रभु का सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या कहते हैं साधु संघ द्वारा जीव के हृदय में भक्ति उद्रेक होता है और साधु संघ से प्राकृत सुख का प्राप्त होता है। जो दिव्य सुख को प्राप्त करना है वो साधु संघ से मिलता है। संसार में बोलते हैं सांसारिक सुख में सुख है, लेकिन सांसारिक सुख को प्रभुपाद की जगह में कहते हैं सांसारिक सुख जुगनू का साथ तुलना किया गया। जुगनू जैसा बारिश का मौसम में जुगनू होता है, छोटी से कीड़ा है, संसार के लिए आलोक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार यही थोड़ी से सुख के पीछे सारा जगत भाग रहा है, लेकिन प्राकृत सुख नहीं मिल रहा है। जो रियल सुख है ये साधु संघ से मिलता है। फिर क्या कहते हैं साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संघ सर्वसिद्ध है। इसलिए साधु संघ के लिए व्याकुलता होना चाहिए, आपका अंदर आतुरता होना चाहिए साधु संघ कहाँ मिले। पहले समय पे कभी भी व्हाट्सअप यूज नहीं करते थे, हमारा घर पे प्रोग्राम हो रहा है कि लेटर नहीं देते थे, कि आपको इन्विटेशन कार्ड नहीं देते थे। साधु कहाँ जा रहा है बाई चांस सुन लिए तो वो इमिडिएटली लोग को दौड़ते थे सिर्फ दर्शन करने के लिए, ऐसा समय था। अभी साधु को छिप के रहना पड़ रहा है, अभी साधु को छिपना पड़ रहा है।
तब लवे मात्र साधु संघ सर्प सिद्धि है। फिर कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है सर्व साधु संघ, कृष्ण प्रेम जन्म ते हो पुण्य मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का, भक्ति का जो बीज है ना वो साधु संघ से प्रकट होता है। भक्ति का बीज को प्रकट करना है वो साधु संघ से। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग, ये सबसे बड़ा मुख्य अंग है साधु संघ। फिर कहते हैं तुलयाम लबना पापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संघस्य मत्यानाम किम उदासीस। ये भागवत की प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक नंबर 13 में है। लेकिन ये एक लाइन है जो कि भागवत के दो जगह पे आया है, भगवत संगी संगस्य मत्यानाम किम उदासीस। ये जो लाइन है भागवत की और एक चौथा स्कंद 25-26 अध्याय श्लोक नंबर 57 में आया, क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गे न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मत्यानाम किम उदासीस, दो जगह पे आया। थोड़ी समय मतलब क्षणार्धे ना अपि तुलये, थोड़ी समय साधु का संग करने मात्र से स्वर्गोलोक में बास ना, स्वर्गो को बास ना पुनर्भव, ना पुनर्भव मां मतलब ये जगत में ना आना पड़ता है भगवत संगी संगस्य, ये मर्त्य लोक में भी नहीं। लेकिन भगवत संग संग करने का बाद जानना चाहिए, ऐसा नहीं है किसका साथ भी संग कर सकते हैं, कोई किसी के पास बैठ गया बस ऐसा संग हो गया, नहीं। संग दो प्रकार की बताया था, जैसे प्रकार कुसंग और सुसंग, उसी प्रकार संग दो प्रकार के, एक बपु संग एक बाणी संग, एक बपु संग और बाणी संग। इसको दूसरा अर्थ में प्रभुपाद कहते हैं बाणी सेवा और बपु सेवा, ये संग का प्रभाव भी है। लेकिन बपु संग से बाण का संग बहुत असर डालता है, बहुत असर, इसलिए वाणी का संग करना है। वाणी मतलब आप देखिए वाणी का संग कैसा, जिसी प्रकार हमारा सामने अभी प्रभुपाद है नहीं, प्रभुपाद हमारे सामने साक्षात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का जो वाणी है जो शास्त्र है, ये शास्त्र का माध्यम से सारा जगत में कृष्ण भक्त बन रहा है। प्रभुपाद वाणी का कितने पावर है, हमारा पावर में कुछ नहीं है, हमें जो बोल रहे हैं हमारा वाणी में कुछ भी, लेकिन प्रभुपाद ने जो बोला है हमें इसको रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट से कितना पावर पड़ रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं कि प्रभुपाद का वाणी का कितने पावर, ये कहते हैं वाणी का संग। प्रभुपाद ने क्या क्या बोल कर गए है, तो वाणी का क्या प्रभाव था, जो लोग नर्कगामी होने वाले थे, जिसी प्रकार प्रभुपाद जब विदेश गए और उनको किसी प्रकार कृपा किया और उनको कितने समय तक संग दिया, थोड़ी थोड़ी समय का संग से पूरा भारत का विदेश का लोग सब दौड़ पड़े वृंदावन, सब दौड़ पड़े वृंदावन। वृंदावन में आके जब ये मंदिर में सेवा करने लगे, यहाँ का लोकल लोग ये नाम मंदिर का नाम दे दिया अंग्रेजों का मंदिर, सभी लोग बोलते हैं अंग्रेजों का मंदिर। आज कोई भी रिक्शा वाला को बाई चांस मथुरा से कोई अचानक ऐसा आता है भक्त नहीं है, उनको इस्कन मंदिर और कृष्ण बलराम मंदिर बोलने से नहीं समझ पाता है, और वो रिक्शा वाला को बोल देगा अंग्रेजों का मंदिर चलना है, इमिडिएटली लेकर छोड़ देगा ला के पक्का। प्रभुपाद ने वो व्यक्ति को किसी प्रकार भक्त बनाया, उनका वाणी का क्या असर था, थोड़ी समय संग दिया है प्रभुपाद, विदेशी लोग को ज़्यादा समय भी नहीं दिए। और फिर कहते हैं नारद पंचरात्र में भक्त प्राण ही कृष्ण से, कृष्ण प्राण ही वैष्णवा धायन्ते वैष्णवा कृष्ण कृष्ण से वैष्णवस्तः। भगवान भक्त का प्राण होता है और भक्त भगवान का प्राण है, ये हम नहीं समझ पाएंगे, जिसे इसे समझेंगे कैसा, जब अम्बरीश महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो लीला हुआ था, उससे भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं तो यशोदा मैया का हाथ में बांध गया, जो सारा जगत को बांधने वाले हैं वो भी यशोदा मैया का हाथ रस्सी से बांध गया, भगवान स्वयं कह रहे मैं भक्त का अधीन हूँ।
और किसी प्रकार भक्त व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए। इसलिए कहते हैं भक्तो प्राणो ही कृष्ण से, कृष्ण प्राण ही वैष्णव, और ध्यायन्ति वैष्णव कृष्ण, कृष्ण से वैष्णव सत्ता। और हमेशा भी हमारा ध्यान होना चाहिए हमें कैसा भक्त का संग करें, कैसा भक्त का पास बैठें, कैसा कुछ सुने, सारा चीज। इसलिए तो भगवान वहीं पे प्रकट होते हैं जहाँ पे कीर्तन होता है। नहीं तो ये भी कहते हैं पद्म पुराण में, नाहम तिष्ठा में वैकुंठे जोगिनाम हृदय च जत्र गायते मद्भक्ता तत्र तिष्ठा में नारद। कहते हैं हे नारद मैं वहीं पे विराजमान होता हूँ, नाहम तिष्ठा में वैकुंठे मैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, हजार हजार लक्ष्मी मेरा चरणों को दबाती है ना, मैं उनका साथ संग रहता हूँ। और जोगी लोग हजार हजार साल तक तपस्या कर रहे हैं ना, मैं उनका हृदय में वास करता हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, वहीं पर रहता हूँ, जत्र गायते मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं पे विराजमान होता हूँ, जहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन होता है वहीं पे विराजमान होता हूँ। भक्त कितने व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए, इसका ऊपर तो बहुत सारा चीज़ चर्चा हो सकता है, लेकिन मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भक्त का संग का ऊपर। एक वृंदावन का लीला का घटना है, एक ही साधु थे, वो बहुत भजन करते थे और हमेशा भगवान का चिंतन में रहते थे, लेकिन उनका संग एक ही चोर किया, बहुत बड़ा चोर था वो। चोर प्रत्येक दिन चोरी करना उसका कर्तव्य है, बिना चोरी से भोग मतलब खाना पीना उसका पछता नहीं था, बिना चोरी करके चोरी करना उसका कर्तव्य है। तब एक दिन कुछ नहीं मिला, हमारा तो बाई मिस्टेक हो जाता है, भागवत क्लास जाना है कि नहीं जाना, मंगलाती जाना है कि नहीं जाना, हमको लगाना पड़ रहा है प्रेजेंट एब्सेंट है, लेकिन उसका हर दिन ही प्रेजेंट है चोरी करना, प्रेजेंट है चोरी करना प्रत्येक दिन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ नहीं मिला, इतना दो चार जगह गया कुछ नहीं मिला। देखिए भक्त का संग से कैसा प्रभाव पड़ा, एक दिन कुछ नहीं मिला तो वो साधु का कमरा में घुस गया, रात को 12 एक बजे के अंदर साधु का कमरा में घुस गया। साधु उसी टाइम पे थोड़ा लघु शंका करने के लिए बाहर निकले थे, तो वही अंदर गया, अंदर में जाके सब ढूंढा, देखा कुछ नहीं मिल रहा है। तब जब कुछ नहीं मिल रहा है, साधु वहाँ से लघु शंका करके गेट के अंदर प्रवेश जब किए और वो चोर बाहर निकल रहा था और सामना सामने हो गया। जब सामना सामने हो गया, साधु वृद्ध हो गए थे तब उनको दिखाई नहीं दिया, तो बोले आप कहाँ से आए थे, इतना जल्दी निकल गए, थोड़ा रुकिए कुछ तो ब्रेकफास्ट करके जाइए। साधु बोले बोले कुछ ब्रेकफास्ट करके जाइए, ऐसा निकलना अच्छा नहीं है। तब फिर साधु क्या करते हैं, बोले आप आइए, उनको हाथ भी पकड़ते हैं, पकड़ के लेके बैठाते हैं, आसन देते हैं। देखिए साधु का स्वभाव कैसा है, आसन देते हैं, देके बैठाते हैं, बैठा के फिर क्या करते हैं, कुछ वो कुछ माधुकरी करके लाए थे और वो कुछ बच्चा खुचा था और उनको खिलाते हैं। खिलाने के बाद वो भोजन करके उसका अंदर इतना आत्मशुद्धि हो जाता है, वो खुद अपना अपना अंदर ही प्रायश्चित करना लगता है, मैं क्या करने के लिए आया था, अभी क्या हो रहा है, अंदर महसूस हो रहा है। तो अंदर महसूस होते 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 है वो साधु का सामने बोलना चालू किया, साधु कुछ पूछे नहीं और साधु का सामने बोला, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ और मैं आया था आपका कमरा से कुछ चोरी करने के लिए और कुछ नहीं मिला, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो फिर बाहर निकल रहा था, आपका दर्शन हो गया और आपका दर्शन मात्र से मेरा अंदर में ये चोर का जो भावना था इमीडिएटली तत्क्षण घट गया, इसलिए आप मेरा को शिष्य बना दीजिए। इमीडिएटली क्या करता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, बोला मेरा को आज से आप मेरा को शिष्य बना दीजिए, मैं आज से मेरा जो चोर का वृत्ति था वो कट गया, मैं जीवन भर के और को क्या नहीं करूँगा,
चोरी नहीं करूँगा, थोड़ी समय संग से। जो चोर व्यक्ति भी साधु का संघ का प्रभाव से वो भी क्या बन जाता है, भक्त बन जाता है। आया था क्या विचार लेके और क्या हुआ उसका। इसलिए कहते हैं साधु संघ बहुत महत्वपूर्ण है, तपस्या से भारी पड़ता है साधु संघ। जानते हैं साधु संघ से ज्यादा भारी है क्या है, सत्संग। इसका ऊपर एक विषय पर एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में मतभेद हुआ। वशिष्ठ जी सत्संग का श्रेष्ठ कहते हैं, जो विश्वामित्र जी तपस्या को श्रेष्ठ कहते हैं। ये दोनों का दोनों मतभेद चल रहा है, कौन सा श्रेष्ठ है, तपस्या श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है। और दोनों विचार विमर्श में जब दोनों झगड़ा हो रहा है तब दोनों एक किसको पास गए, किसका पास गए, अंत में दोनों निर्णय के लिए भगवान शेष के पास गए, मतलब बलराम के पास गए, शेष के पास पहुँचे। शेष जी ने दोनों की बात सुनकर कहा, बात तो विचार करना है, करने वाली है, और आप लोग देख रहे हो मेरा सिर का ऊपर, सिर पर पृथ्वी का भार है। कौन बोल रहा है, शेष जी बोल रहा है, पृथ्वी का भार है। आप में से कोई भी कुछ क्षण के लिए पृथ्वी को धारण कर लीजिएगा तो मैं थोड़ा सोचूंगा। विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देकर पृथ्वी को उठाना चाहा, पर वो असफल हो गया। विश्वामित्र जी 10,000 साल तपस्या किया लेकिन वो शेष का सिर का ऊपर जो भार था उसको उठाने में असमर्थ हो गए। तब वशिष्ठ जी ने अध्यक्षण थोड़ी समय सत्संग का फल देकर पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक उठाए रहे। तब काफ़ी देर हो गई तब विश्वामित्र जी ने शेष जी से कहते हैं, प्रभु अब तो निर्णय कीजिएगा। तब शेष जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या मुझे निर्णय सुनाने की आवश्यकता है, अपने खुद ही देख लिया कि 10,000 वर्ष की तपस्या आधे क्षण के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती है। दोनों ऋषियों ने सत्संग की महिमा को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पे प्रस्थान किया। इसलिए सत्संग बहुत भारी है तपस्या से, इसलिए सत्संग क्षण समय सत्संग क्यों नहीं हो जाए। और इसका ऊपर क्षण समय थोड़ी समय के लिए सत्संग में बैठ के एक मुसलमान भी भक्त बन गया। इसका प्रभुपाद इसको कहते हैं विदेश में एक बार क्या हुआ था, एक ही लेडीज हिंदू है लेकिन ये कृष्ण भक्त है, इस्कन का भक्त है, और जो जेंट्स है वो मुसलमान है, और वो मुसलमान और ये हिंदू दोनों का थोड़ा अच्छा संबंध बन गया और दोनों को लव करने लगे। और वो लेडीज कहती है मैं अपना भगवान को नहीं छोड़ सकता हूँ, और जेंट्स भी कहते हैं मैं भी अपना भगवान को नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ठीक है आप अपना भगवान को पूजा किए, मैं अपना भगवान को पूजा करूँगा, लेकिन हम दोनों साथ में रहेंगे, शादी करके साथ में रहेंगे। भाई ठीक है। तब प्रत्येक दिन क्या होता था, प्रत्येक दिन पति ने पत्नी को ईश्वर का कथा जो होता था, प्रत्येक दिन सुबह 8 से 9 बजे तक का लेक्चर होता था और वो क्लास में लेकर आते थे। प्रत्येक दिन इसका सेवा है, इसका ड्यूटी है पत्नी को छोड़ने के लिए। तब एक दिन पति ने सोचा, भाई पत्नी की तो छोड़ता हूँ लेकिन पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा थोड़ा तो एक दिन देख लो। तब एक दिन क्या किया, पत्नी को छोड़ के पत्नी आगे जाके बैठ गई और पति क्या किए पीछे बैठा। बैठने के बाद कथा सुनते रहा। कथा का बाद क्या होता है महाप्रसाद गोविंद प्रत्येक जगह पे होता है। तो कथा के बाद फिर उसको कीर्तन थोड़ा हुआ, कीर्तन के बाद प्रसाद मिला, प्रसाद मिलने के बाद फिर घर वापस गए, पत्नी को लेकर घर चले। घर गए और गाड़ी में बैठे हैं और पत्नी को पूछ रहे हैं, बोले ऐसा ही हर दिन होता है क्या। पत्नी बोलती है हर दिन होता है। फिर दूसरा दिन बैठ के सुनते रहा, तीसरा दिन बैठ के सुनते रहा, प्रसाद पाया सब। चौथा दिन जब हुआ ना, चौथा दिन का बाद
बोला ऐसे तो बहुत आनंद है, कथा भी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और वो कथा में उसका एक टॉपिक उसको सुनने मिला, भगवद्गीता का श्लोक था, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण, भगवान बोल रहे हैं मेरा शरण पे आ जाओ सब त्याग करके। भाई लेकिन वो उन्होंने खुद महसूस करता है मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, इतने गौ माता को मारा, ये किया वो किया, इसमें कैसा उद्धार होऊंगा, तो वो महसूस करता है। महसूस करने के बाद है पत्नी को बोलती है बहुत अच्छा ये चीज़ है, तेरी पत्नी कहती है फिर आप जोड़ जाइए, इसमें परेशानी क्या होगा, फिर आप जोड़ जाइए। फिर थोड़ी समय का बाद है उसका ऊपर ये सत्संग का प्रभाव पड़ जाता है, फिर दोनों को दोनों एक ही भगवान को पूजा आराधना करना चालू कर देते हैं, फिर कृष्ण भक्त बन जाते हैं, और दोनों को दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही दिशा में चलने लगे, एक ही दिशा। इसीलिए कहते हैं पति पत्नी क्या होता है, एक ही स्कूटी का दो पहिया होते हैं ना, दो पहिया है, दो पहिया सही दिशा में चलना चाहिए, लेकिन दोनों पहिया अपोजिट रास्ता में चलेगा तो फिर क्या होता है, गृहस्थ जीवन टूट जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दोनों एक ही दिशा को पकड़ लिया तब आराम से जीवन बिता है। अभी बहुत प्रचारक भी कर रहा है, इसी प्रकार सत्संग का बहुत प्रभाव है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंगा र पारस हैले पश्चात पाव दर्शन पवित्र करो हे तुमार गो। गंगा का पास जाने से हमारा पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए कहते दर्शन पवित्र करा हे तुम्हारा गो। इसलिए साधु संत को दर्शन करने मात्र से क्या होता है, पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा।